महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां के डोंबिवली में स्थित विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मोठा गांव में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल सूत्रों की यदि माने तो मृतक शख्स का नाम राकेश रामहरि यादव बताया जा रहा है। मृतक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने हत्यारे के प्रेम संबंध की बात का जिक्र प्रेमिका के घर वालों से कर दी, जिसकी वजह से आरोपी गणेश भोईर ने अपने दो साथीदारियों के साथ मिलकर राकेश को जान से मारने की साजिश रच दी। और उसी साजिश के तहत बुधवार की देर रात हत्या की इस वारदात को बड़े सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। मृतक यादव के बारे में बताया जाता है कि वो पान की दुकान चलाया करता था। हमलावरों ने पहले उसे स्टेशन परिसर में पीटा और जब इस पर भी उनका मन नहीं भरा तो मृतक के घर का दरवाजा तोड़कर उसकी जघन्य हत्या को अंजाम दे दिया। सूत्रों की यदि माने तो इन आरोपियों को राजनीतिक सपोर्ट हासिल है, जिसके दम पर आरोपियों ने इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक राकेश रामहरि यादव डोंबिवली रेती बंदर रोड पर स्थित सुंदरा प्लाजा बिल्डिंग में रहता था। वहीं आरोपी गणेश भोईर के प्रेम संबंध की जानकारी राकेश ने प्रेमिका के घर वालों को दे दी। अपनी बेटी के प्रेम संबंध की जानकारी मिलते ही लड़की का पिता अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश चला गया। और जब आरोपी गणेश भोईर को इस बात का पता चला कि राकेश यादव ने उसके प्रेम संबंध का राज लड़की के घर वालों के सामने उगल दिया है, तो गुस्साए गणेश ने पहले तो राकेश की डोंबिवली रेलवे स्टेशन परिसर में पिटाई की और जब उसका गुस्सा इस पर भी शांत नहीं हुआ तो उसने अपने दो साथी जिनका नाम यश जाधव और रवि खिल्लारी बताया जाता है, उनके साथ मिलकर बड़ी बेरहमी से राकेश को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल विष्णु नगर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। काल रात्रि राकेश रामहरि यादव वय 28 धंदा पानटपी चालक मूळ राहणार उत्तर प्रदेश, याचा काल रात्री मोठा गाव या ठिकाणी एका बिल्डिंगमध्ये काही तरुणांनी त्याच्यावर हल्ला केला होता, त्यामध्ये त्याचा दुर्दैवी अंत झालेला आहे। हल्ला करणारे तीनही युवक आपण ताब्यात घेतलेले आहेत, पोलीस त्यांच्याकडे कसून चौकशी करत आहे।